तुमने कहा था ना, इस घर से सिर्फ एक ही लड़की दुल्हन बनकर जाएगी। अब बस मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर पे आने की तैयारी शुरू कर दो। उठ जाओ मैडम, 8 बज गए। कॉलेज नहीं जाना तुमने? नहीं। क्यों? तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं ना, फिर ये छुट्टी किस खुशी में कर रही हूँ? क्योंकि आज सारा दिन मैंने घर से बाहर नहीं जाना। फिर वही बकवास। तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने कि इस तरह की बातें मत किया करो। इन फजूलियात में पढ़ के ना एक दिन तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेनी। जिन्हें तुम फजूलियात कह रही हो ना, उससे जिंदगी संवरती है, बिगड़ती नहीं है। हाँ, लोग तो पागल हैं जो अपनी जिंदगियां संवारने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जान मारते हैं। उन्हें भी चाहिए कि तुम्हारी तरह ना बस फोन में 2-3 ऐप्स डाउनलोड कर लें, पूरा दिन बैठ के हॉरोस्कोप देखे, अपने फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले और हो जाए कामयाब। सर नहीं होता है शाजमा, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। एक और प्रोजेक्ट मिल गया मुझे। अच्छा चलो नीचे चलो, पानी गर्म किया, अपने पाँव मसाज कर लो। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए ना बिल्कुल टाइम नहीं है। फालतू टाइम? तुम्हारे पास इनके लिए टाइम है? क्या कर रही हो? मेरी सारी मेहनत जाया हो जाती है। अभी इतनी मेहनत तुमने अपने रिश्ते के लिए की होती ना, तो आज अपने घर की होती तुम। शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, और अगर उन्होंने तुम्हारी फटी हुई एड़ियां देखी ना, तो उल्टे कदम लौट जाएंगे। फिर वही परेड। मैं तंग आ गई हूँ इस सबसे। जी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे आजकल लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। जी बेशक। घर में क्या मसरूफियात होती हैं तुम्हारी? कुछ कुकिंग वगैरह में दिलचस्पी है? कुकिंग का तो आंटी आप पूछे ही ना, कुकिंग में तो आप ही को बहुत इंटरेस्ट है। आपको पता है पूरा दिन यूट्यूब पे ना बस कुकिंग वीडियोस ही देखती रहती हैं। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मेरे बेटे की 2 ही शर्तें हैं, एक लड़की पढ़ी लिखी हो और दूसरा घरदारी में माहिर हो। वैसे बेटा क्या क्या बना लेती हो आप? क्या क्या नहीं बनाना आता आप ही को? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, हर किस्म का खाना बना लेती हैं आप ही। माशाल्लाह माशाल्लाह, पर जरा कम गो लगती है। एक तरह से अच्छी बात है, मेरे बेटे अहमर को ना बातूनी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर जॉब करने वाली लड़कियाँ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और एक तरह से ठीक भी है ना, क्योंकि भाई लड़कियाँ 2-4 पैसे क्या कमाने लग जाए, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती हैं। और मुझे तो चाहिए सलीकामंद सीधी सादी बहू। अगर ऐसी बात है आंटी, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप गलत जगह पे आ गई। ना तो मैं कम गो हूं और ना ही मुझे खाना पकाने में कोई इंटरेस्ट है। मैं तो अपने काम में इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। तुमने तो बताया था लड़की जॉब नहीं करती। इन्होंने तो मुझे यही बताया था। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मेरा अपना काम है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती हूँ मैं छोटी सी। आप छोड़ें इसकी बातों को, आप ये चाय लेना, मैं कबाब देती हूँ आपको। रहने दें, हम चलते हैं। खामा खाई में हमारा टाइम ज़ाया किया आपने। छाया भी 1000 दफ़ा कि अपना मुंह बंद रखा करो, कभी नहीं सुनती मेरी बात। एक तो उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज है, दूसरा नहीं सही कसर हमारी अम्मी पूरी कर देती। हमारे साथ ही अम्मी ऐसा क्यों करती है हमेशा दाइम? क्या हम उनकी औलाद नहीं है? तुम्हें पता तो है, जब हम दोनों पैदा हुए थे अब्बू के माली हालात अच्छे नहीं थे, फिर 2 छोटे बच्चे, उनकी देखभाल, घर का किराया, 100 खर्चे थे, काफ़ी मुश्किल हालात थे वो। इसलिए अम्मी काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, और फिर जब शाजमा पैदा हुई तो हालात बदल चुके थे, अबू की प्रमोशन हो गई और फिर हमने घर भी बना लिया, और फिर शाजमा का ख्याल रखने के लिए हम दोनों भी मौजूद थे। अम्मी का वो वक्त काफ़ी अच्छा गुजरा,
शायद इसलिए इस चीज़ को शाजमा के नसीब से जोड़ती थी। पता नहीं हमारे ही नसीब में हमारी माँ की बेइत्तनाई क्यों लिखी है। आपी के तो नसीब ही इतने बुरे हैं। इंसान जितनी मर्जी चाहे मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन रिश्ते वाले हमेशा इनकार करके चले जाते हैं। रिश्ता होता ही नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की, आगे से मुझे बातें सुना के चली गई, जैसे सारी मेरी गलती है। रिलैक्स यार, बहन भाइयों में ऐसी छोटी मोटी झड़पें हो जाया करती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन मैं किसी की बातें नहीं सुन सकती। अपनी शादी नहीं हो रही तो क्या इसकी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालेंगी? वैसे एक आइडिया है। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना नाजिया की शादी अफान भाई से कर दी जाए। अम्मी वैसे ही अफान भाई की शादी के लिए बहुत सीरियस हैं और लड़की ढूंढ रही हैं। मैं तो सोच रहा हूँ बात कर लूँ उनसे। आप खाला से कोई बात नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि मैं सारी जिंदगी आप ही के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहती। कमाल है यार, तुम्हें अपनी सगी बहन से भी प्रॉब्लम है। हाँ है प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे अपने हिस्से की मोहब्बत बांटने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। जहाँ मैं रहूँ वहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मुझे मिलनी चाहिए, और आप ही के होते हुए ये मुमकिन ही नहीं। Come on यार, हर इंसान की अपनी एक अलग हैसियत हो, किसी एक की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। और सुनो, अफान भाई की शादी किसी ना किसी से तो होनी है ना, तुम्हें क्या उससे भी प्रॉब्लम होगी? हर केस नहीं, क्योंकि उस लड़की का खाला जान के साथ सिर्फ एक ही रिश्ता होगा और वो सास बहू का, लेकिन मेरा खाला जान के साथ डबल डबल रिश्ता है और मेरी मोहब्बत और अहमियत भी ज्यादा होगी उस घर में। ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो शासमा। आपको चाहे बच्चों वाली बात लगे, लेकिन आप ये सोच रहे कि आपको अपने घर में किसको लाना है, क्योंकि उस घर में सिर्फ एक ही लड़की आ सकती है। और जब आप डिसाइड कर ले तब मुझे कॉल कीजिएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? भाई देख रहा हूँ कि मेरे देखने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना चेहरे पे कोई शर्म का रंग आता है, ना हाथ कांपते हैं। तुमने क्या मुझे 70 की फिल्मों की हीरोइन समझाओगे? भाई 70 की फिल्म की हीरोइन ना सही, मेरे फिल्म की हीरोइन तो हो। सरासर तो शर्मा लिया करो यार। सीरियसली, डू यू वांट मी टू डू ऑल ऑफ दिस? मजाक कर रहा हूँ यार। थैंक गॉड, वरना मुझे अपनी चॉइस को दोबारा सोचना पड़ता। तुम जितना भी सोच लो, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा मैं ही रहूंगा। आप यहाँ क्यों आ गए? मैं चाय लेकर आने वाली थी। हाय, तुम जानती हो मैं यहाँ किस आस में आया। असल में ऑफिशियली सबके सामने तुम्हें जी भर के देख नहीं सकता। अच्छा, आज तो वैसे आप बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसे लगता है अफान भाई की जगह अपनी बात पक्की होने की मिठाई लेकर आए हैं। हमारी बात तो पहले से ही तय है, अब तो बस बारात लेकर आना बाकी। And you know what? मैंने अम्मी से बात भी कर ली हमारे बारे में, और बहुत जल्द वो खाला जान से बात करने वाली है। मैं सब शादी की तैयारियां शुरू करूं। अगर मगर कुछ नहीं, तुमने कहा था ना इस घर से सिर्फ एक ही लड़की दुल्हन बनकर जाएगी, बस मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर पे आने की तैयारी शुरू कर दो।